हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है अनुप्रिया और मैं अपने इस चैनल पे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ। तो अभी मैंने बहुत सारा अमेजोन, मीशो एंड कुछ इंस्टाग्राम स्टोर से बहुत सारे ये पार्सल ऑर्डर किए हैं जो कि आपके मतलब डेली DIYs एंड क्राफ्ट से रिलेटेड ही हैं। तो मैं आपको ये सब दिखाती हूँ। तो आज का वीडियो तो होने वाला है फुल आर्ट एंड क्राफ्ट हॉल, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटू से पार्सल से। तो इसमें आया है जेसो आया है ये, और ये कैमल का है, ये आप देख सकते हो। और इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके बाद हमारा सेकेंड पार्सल है जो कि थोड़ा सा हैवी है, इसमें देखते हैं अपन क्या है। तो इसमें मैंने मंगाई थी क्ले, तो ये फैब्रिकल का मोल्डेड क्ले है और ये मैं पूरा एक बार में मंगा लेती हूँ और ये काफ़ी सही भी रहता है। और नेक्स्ट इसमें है ये 3D आउटलाइनर है जो कि फैब्रिकल के ही हैं, तो ये दोनों साथ में ही आया था, आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आई है ये वार्निश है, और ये लिटिल बर्डी की डेकोर वार्निश है ग्लॉस वाली, आप देख सकते हो। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसके बाद है हमारे पास ये अमेजोन से मैंने MDF बेस मंगाए हैं, ये 12 इंचेस के हैं और ये 5 हैं, तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में था तो मैंने ये ऑर्डर किया था। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है ये भी MDF बेस ही है, लेकिन ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। इसकी भी ना क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो ये मैंने फ्लोरल रंगोली ऑर्डर किया है, इसका भी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। इसकी भी क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी है, ये देख सकते हो आप। इसके बाद मीशो से ही ये कुछ प्रीमार्क बेसिस हैं, तो ये दोनों सेट में थे तो ये मैंने ऑर्डर किए थे। और इसके बाद एक ये था, इसमें राधा एंड कृष्णा जी बने हुए हैं, प्री मार्क बेस है, और इसके साथ ये एक रिंग जैसा भी कुछ है, पता नहीं मुझे। इसके बाद मैंने कुछ की रिंग ऑर्डर किए थे, तो ये 10 स्क्वायर्स में है एंड 10 राउंड्स में है, ये आप देख सकते हो। और इनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैंने अभी एक दो यूज़ किए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनके साथ ये रिंग्स भी आई हैं की रिंग वाली। इसके बाद हमारे पास है ये ईजल स्टैंड, तो ये मेरे पास 6 आए हैं और ये मैंने मीशो से ही ऑर्डर किए, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, मतलब मुझे एक 27 रुपीज़ का पड़ा है, तो काफ़ी सस्ता मतलब मेरे को लगा ये। और इनकी मतलब ये क्वालिटी ना सभी की बहुत अच्छी है, ये आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी है। इसके बाद मैंने ये अमेजोन से मैक्रेम थ्रेड ऑर्डर किए थे, तो ये मेरे को 5 पीसेज में मिले हैं, ये हैं थ्रेड। एंड इसके साथ मुझे एक ये रिंग मिली है और एक ये ना, इसका मुझे पता नहीं अभी क्या यूज़ होगा, और ये कुछ बीड्स मिले हैं, तो ये 5ों चीज़ें मुझे इसमें मिली हैं। बाद इसके बाद मैंने एक इंस्टा स्टोर से एक ये ईजल मंगाया था, तो ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा, तो अब मुझे ये काफ़ी महंगा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था। और ये मैंने मैक्रेम थ्रेड ऑर्डर किया था, ये मुझे शायद 10 मीटर से ये काफ़ी सही रेट में मिल गया था। और एक ये मैंने हैंड रूल ऑर्डर किया था, ये आप देख सकते हो, और ये काफ़ी ईजी है इसको यूज़ करना। मैं किसी DIY में यूज़ करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे काम करता है। इसके बाद मेरे पास ये बहुत सारे MDF बेसिस हैं जो कि मैंने इंस्टा स्टोर से ही ऑर्डर किए हैं, और ये मैं फ्रिज मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और काफ़ी मतलब अच्छे शेप भी हैं इसमें। जो भी मैंने कस्टमाइज़ कराए हैं तो उन्होंने भेज दिए हैं मेरे को, ये आप देख सकते हो, और प्राइस भी काफ़ी सही रहता है इनका, तो इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप आपको ये सभी प्रोडक्ट्स अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये सब परचेज़ करना है तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट DIY क्या लेके आऊँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके बताना। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।